तो भाई साहब कन्याकुमारी की सड़कों पे हम लोग चल रहे थे और कन्याकुमारी से कश्मीर बहुत लोगों को आपने देखा होगा करते हुए, तो हमें मिल गए हमारे भाई। ये खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि क्या कर रहे हैं ये। हेलो, तो मेरा नाम जयदीप है और मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मैं ऑल इंडिया टूर पे निकला हूँ जिसको मैंने नाम दिया है कश्मीर टू कन्याकुमारी। मतलब अराउंड 600 डेज का टूर है ऑल बाय वॉक एंड लिफ्ट। और मैं रात पेट्रोल पंप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वगैरह में रुकता हूँ, कभी होटल हॉस्टल वगैरह में नहीं रुकता। और अभी चल के हम जा रहे थे, ये मेरा दोस्त है तो वो अभी दिवाली का वैकेशन करने आए हैं, तो अभी चल के हम जा रहे थे तिरुनेल वैली की साइड। तो ये जनाब मिल गए रायगढ़ से और रायपुर से रायगढ़ से दोनों राय है। तो अभी वो भी ट्रैवलर है, हम भी ट्रैवलर। बहुत अच्छा लगा। और इनका कॉन्सेप्ट ये है, एक बार बैग बता दो अपना। बैग तो कश्मीर टू कन्याकुमारी अराउंड 600 डेज इंडिया में करने वाले हैं। तो भाई साहब मेरा भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, मैं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया हैशटैग यूज़ करके 15,000 मोर देन 15,000 किलोमीटर कर रहा हूँ और एक इंडियन मैप बना रहा हूँ। तो अपने जैसे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है और आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए भाई के साथ आए और अकेला नहीं छोड़ा आपने एटलीस्ट। तो चलिए आपकी यात्रा शुभ हो। थैंक यू। और इसी मनोकामना के साथ चलते हम लोग भी। बस मैं भी हिचहाइकिंग कर रहा हूँ, निकलेंगे अब जहाँ तक फिलहाल। बहुत अच्छा लगा, रास्ते में कहीं पर भी मिल जाएगा। बिल्कुल यार, बहुत बड़ा है इंडिया और कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेंगे। सही में आज खाया जा रहा है अप्पम और ये एग करी, साथ में नारियल चटनी। तो मज़ेदार होने वाला हमारा अभी का खाना। ऐसा खाना देख के मज़ा आ जाता है। ठीक है, नया एक्सपीरियंस है वो। बाबा बाबा बाबा, फाइनली फाइनली कन्याकुमारी का पहुंच गए भाई साहब। बहुत सही यार, फीलिंग आ रही है बाबा। सोचो लद्दाख के आखिरी पॉइंट से इस बाइक को लेके आ रहे हैं और उत्तराखंड से बिना सर्विसिंग के। 5000 किलोमीटर हो चुका होगा, 3000 तो यहाँ से वहाँ का उत्तराखंड का दूरी है, लेकिन हम जिस रास्ते से आ रहे हैं उसको अगर काउंट करेंगे तो 5000 के आसपास हो गया होगा विदाउट सर्विस। विदाउट सर्विस भाई, गाड़ी को भी मानना पड़ेगा और गाड़ी के ड्राइवर को भी। तो और हमें लिफ्ट दिए इन्होंने, इतनी लंबी लिफ्ट भारत या फिर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। और ये लिफ्ट हमारी इस कन्याकुमारी में आके समाप्त होगी क्योंकि कल से चले जाएंगे भैया। तो उदास भी हैं और कल से अलग हो जाएंगे, और खुशी भी है कि अब दोनों की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, नई यात्रा स्टार्ट होगी, तो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जा रहे हैं फेरी के लिए और यहाँ से आपको टिकट कटाना पड़ेगा। ये लाइन है, यहाँ आप लग सकते हैं। और जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, मतलब एक एक करके 4-5 घंटे लग गए थे हमको यहाँ तक पहुँचने में। सब 50 रुपये चार्जेस हैं पर पर्सन और यहाँ से आप टिकट कटवा सकते हैं, यहाँ से होगी आपकी एंट्री। तो भाई साहब मैं लाइन में लगा हुआ हूँ फेरी के लिए और फेरी जाएगी हमें लेके आखिरी पॉइंट तक जहाँ नॉर्मली लोग जा सकते हैं। तो कहाँ जाने वाले हैं? रॉक मेमोरियल, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारी कन्याकुमारी की पिक्चर्स में आपने देखा होगा, साथ में देखा होगा तिरुवेल्लूर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बगल में स्टैचू है उसको। तो आज हम लेके जाने वाले हैं आपको वही। और स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 डेज अक्रॉस द इंडिया। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखिए आज कन्याकुमारी। इस साइड है कन्याकुमारी टाउन और ये बोट्स लगी हुई हैं, उस फेरी में बैठ के हमें जाना है। मैं बता रहा था पिछले बार मतलब 2-3-4-5 कितने घंटे में लाइन में लगा था मेरे को, अब तो याद भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। और इस बार जस्ट 2 मिनट बैठे और आगे हमारी फेरी। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, एक नया एक्सपीरियंस है कि मतलब इतनी जल्दी फेरी मिल गई आपको। और इस तरह से लाइन में लोग लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ से अपने अपने हिस्से का जैकेट ले लो क्योंकि डूबोगे तो ये सहारा बनेगा। तो ये लटका लिया है गर्दन पे, पता नहीं किसमें काम आने वाला है, लेकिन जैसा भी है ठीक है। या क्या नाम है? मुसाफिर सोमेश।
भाई पिछले बार भी आया था तो मैंने ऐसी बनियान ही पहनी, इस बार भी बनियान पहनी, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जो सेम पेंट कल पहनी थी वही यहाँ पर भी पहनी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो नॉस्टैल्जिया जैसा चल रहा है, मतलब सेम सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लाइफ जैकेट इसको मैंने रखा हुआ भाई, कहीं डूब उब गए तो सहारा बनेगा, ये गर्दन पे लटका के नहीं रखा, बाबा जी बहुत नियमों का पालन करते हैं तो इन्होंने रखा हुआ। चलिए अच्छा लग रहा है फिलहाल, और दिखाते हैं आपको रॉक मेमोरियल और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपको बताने वाले हैं। भाई साहब हमारी बोट निकल रही है लहरें लेते हुए, हिचकोले खाते हुए, और वहाँ से एक और बोट आ रही है। अच्छा यार वाह, पिछली बार आया था पानी बहुत ज़्यादा नीला था, अब इस बार थोड़ा सा मटमैला है क्योंकि बारिश हुई है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कराना होगा टिकट का चेक, और बाबा जी चल रहे हैं आके, बाबा जी हीरो लग रहे हो यार, हीरो लग रहे हो। ये पहन, ये मेरे को भी पहनना था आपने जो सिर पे लगाया हुआ है, सही है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहा है भाई, हवाएं हवाएं और लहरें, बाबा हवाएं बहुत तेज़ चल रही होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाया गया है भाई साहब, 60,000 गैलन से ज़्यादा इसमें स्टोर होता है, तो ये बहुत यूनिक बात है और बहुत अच्छी बात है। आप छोटे से आइलैंड में भी इतना ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्ट कर कलेक्शन कर रहे हो, मायने रखता है। तो भाई साहब अगर किसी भी स्टेट में जाओ और घूमने जाओ और आपको अपने स्टेट वाले लोग मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें मिल गए हैं कुछ छत्तीसगढ़ से सर और उनकी फैमिली, तो क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र साहू। वीरेंद्र साहू जी हैं बालोद छत्तीसगढ़ से, तो बहुत अच्छा लगा सर आपके परिवार से मिलके मेरे को, धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त का यूट्यूब सब्सक्राइब कर, धन्यवाद, थैंक यू सर। जाहिर सी बात है कि आएगी आएगी। तो ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये है तमिल स्कॉलर थिरुवल्लूर जी, और बहुत ही मान्यता है भाई इनकी तमिलनाडु में, मतलब बहुत मानते हैं इनको लोग। भाई साहब लहरें देखो यार, हिंद महासागर, ये लहरें वाह, नेक्स्ट लेवल। बाबा जी बहुत खुश हैं आज। तो गाइज देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ ग्रुप आए हुए हैं और वो लोग इतने ज़्यादा मतलब एंजॉय कर रहे हैं, सच्ची असली वाला एंजॉय तो इन्हीं लोग कर रहे हैं, और सब 45 प्लस है ना, सब 45 प्लस है, देखो कैसा डांस वांस कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। मैं उनसे बिना पूछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने किया, देख सकते हैं। और इस और हमारा मॉडल तैयार हो गया है, ये मॉडल अब कराएगा फोटोग्राफी।
भाई साहब आपको यहाँ पर दिख जाएगा सनराइज़ कैलेंडर की। सनराइज़ जब जिस दिशा से होता है तो मतलब अपने डिग्री को कैसे चेंज करता है मैं बताता हूँ। घूम करके एक साइड लिखा है दक्षिणायन और उत्तरायण, तो उत्तरायणम, तो ये बीच में मंथ्स हैं। अगर जिस डिग्री पे अगर सूर्य उगता है, जैसे जनवरी में अगर यहाँ से उगेगा और जुलाई में इस साइड से, मतलब इस दिशा से जुलाई में, जनवरी में इस दिशा से, तो ऐसा कुछ ये सनराइज़ का कैलेंडर है यहाँ पर। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो रॉक मेमोरियल, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो जगह है यहाँ पर माना जाता है कि 1892 को स्वामी विवेकानंद आए थे। लगभग 25, 26 और 27 नवंबर को यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये वो रॉक है जिस पर स्वामी जी आए थे और मेडिटेशन किया था। तो इनके मेमोरियल में जो पीछे आप एक मंदिर सा देख रहे हैं, और इसमें स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति रखी गई है, और इसका इनॉग्रेशन 2 नवंबर को हुआ था। वीवी गिरी जो अपने राष्ट्रपति थे, 2 नवंबर 1970 को। और बाकी डेट्स वगैरह में थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं। इस साफ समय हो चुका है वापस जाने का, और हवाएं बहुत तेज चल रही है। अपना ये ले लेते हैं गर्दन में पहनने वाला, चला जाए उसके बाद। तो तमिल स्कॉलर और पोइट थिरुवल्लूर जी की ये 133 फीट की मूर्ति पूर्णतः स्टोन्स की बनी हुई है, और अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के संगम पे ये बना हुआ है। तो दोनों इमारत भाई ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ तीन समुद्रों का संगम होता है। हमारा विजिट कंप्लीट हो चुका है स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का, और हम लोग आज कन्याकुमारी में रेस्ट करने वाले हैं। बाबा जी का आखिरी दिन है। तो भाई साहब सुबह के नाश्ते के साथ साथ हमारा दोपहर का भोजन भी, भैया का ज़्यादा टेस्ट पसंद आ गया यहाँ का। इसलिए तो मैं हार्ड कोर नॉनवेज हूँ, नॉनवेज का सही स्वाद यहाँ पर आए, और अभी इतना क्वांटिटी है ना बिरयानी का, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी है बिरयानी जो मिलता है हमें। आपने भी शायद फर्स्ट टाइम इतना क्वांटिटी देखा, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा, एक आदमी के लिए मोर देन सफिशिएंट। दो दिन से कुछ ऐसा हो रहा है कि बस खा रहे हैं और सो रहे हैं, कुछ मतलब काम धाम नहीं है। बस आज हम लोग रॉक मेमोरियल विज़िट करने चले गए थे, तो जैसा कि हमने बताया कि हम रूम में पड़े हुए थे, लेकिन फ़िलहाल ये बनियान और अपने धोतर में ही जा रहे हैं कुछ लेने। और क्या लेंगे, कुछ खाने का ले आएंगे, क्योंकि भाई साहब रात को भूख लग सकती है और चांस नहीं लेना चाहते। बाबा जी को कल विदाई करना है, और भूखे पेट रात को सुलाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो रूम हो चुका है लॉक, और ये मतलब बहुत अच्छा खासा रूम है यार। ये यहाँ पर लिए थे इसको 2 दिन के लिए, और मतलब पीछे ना पार्किंग के लिए बहुत अच्छी थी, मतलब एनवायरनमेंट जो है अच्छा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने का लेने रात को, ताकि भूख मत लगे। यस, अभी पेट तो भरा हुआ है, पेट तो भरा हुआ है अभी तो, लेकिन रात को चांस लेना सही नहीं है। तो चलिए आज रात को निकल रहे हैं भाई कन्याकुमारी टाउन को देखने, एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे हैं, बस खाना वगैरह लेके आएंगे। और मेरे पीछे एक ना वॉच टावर है, वॉच टावर बताता हूँ आपको मैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वॉच टावर, मतलब दूर दूर तक आप समुद्र पे से निगरानी ही रख सकते हैं। और ये है कन्याकुमारी की रात की सड़कें, मतलब जिस साइड हम लोग रुके हुए हैं ना, मतलब बंदा एक दिखता नहीं आपको। नॉर्मली मेन जो सिटी है वो आगे की तरफ है उस साइड, तो उधर ही टूरिस्ट वगैरह आते हैं, इस साइड बहुत कम आते हैं, और होटल्स हैं जिस मेन इस तरफ तो। और ये बसें हैं, इसी में चढ़ के पिछली बार आया था तो मैं रामेश्वरम गया था भाई। तो भाई साहब आज इतना ज़्यादा हैवी खा लिए थे दोपहर में, जैसा कि आपने देखा है, और परोठा पैक हो रहा है, बस हल्का लाइट सा खाएंगे और फिर आज कन्याकुमारी में शायद लास्ट डे होने वाला है हमारा। तो देखिए अगर कल रुकना होगा तो मैं रुकूंगा स्वामी विवेकानंद आश्रम करके, एक पता किया हमने, जो कि हमारे भाई ने बताया था जो ट्रैवल कर रहे थे 600 डेज़ वाला, उन्होंने। तो
चलिए फिलहाल तो ले लेते हैं यहाँ से परोठा और चलते हैं रूम पे, खाएंगे फिर बाबा जी का लेंगे आज इंटरव्यू, क्योंकि कल हमको छोड़ के जाने वाले हैं बाबा जी। चले बाबा जी, चलो हो गया खाना पैक। अयो ये बैठने में ना जो मज़ा ही आ जाता है, तो कल से नहीं मिलने वाले हैं आपको सर, वो आनंद आज भर का ही है आपका भाई। यार बहुत अंदर से थोड़ा दुख लग रहा है, पता है थोड़ा क्या, बहुत दुख लग रहा है कि फाइनली जो एक महीने की हमारी ये दोस्ती यारी और साथ में थे वो कल जुदा हो जाएंगे, बाबा जी अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यही है जीवन, सबको एक दिन अपने रास्ते ही जाना है, यही है जीवन। और मुसाफिर का जीवन तो फिर देख ही रहे हैं आप लोग, कितने रिश्ते ऐसे बनते हैं और फिर ना चाहते हुए भी आपके मतलब इच्छा नहीं होती उसको अलविदा कहने की, फिर भी अलविदा कहना पड़ता है। यस, और डार्कनेस में भी शूट कर रहे हैं भाई, इस दिन को यादगार बना रहे हैं और आप लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। 7 hours later भाई साहब नहा धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश, और कल रात आपने देखा हम लोग खाना लाए और खा के सो गए, बाबा जी हो गए हैं तैयार, सामान हो चुका है पैक, और इतना सारा सामान एक ट्रैक्टर के लायक है, इतना सारा सामान हमने अलग किया। ये देखिए मेरा बैग है पीछे, एक और दो हेलमेट। नहीं गाइस मैं बता रहा हूँ एक चीज आपको, हकीकत में ज्यादा सामान इसके पास है, एक तो आदमी पैदल घूम रहा है उस पर ये 30-35 किलो का लोड, मैं बाइक में हूँ लेकिन मेरा सामान कम है, आज जब अलग हुए है ना तब पता चल रहा है भाई साहब ये सारा संपत्ति तो इनका है। भाई साहब निकले थे लेह लद्दाख करने के लिए और भारत यात्रा एक कोइंसिडेंस मान सकते हैं या इनकी दिली ख्वाहिश थी उसको पूरा करने हम लोग निकल गए, हम दोनों का जोड़ी बना दुगड़ी निकल गए डुंडो डुंडो एक जगह था, क्या था वो एग्जैक्टली वो पता नहीं, पांडे नहीं पांडव, पांडव होता है जैसे पांच लोग होता है, हम लोग दो लोग हैं तो हमने बोला डुंडो, तो डुंडो बना था लेकिन अब अलग अलग हो चुके हैं, सामान मेरा अलग पैक हो चुका है, और इतना सारा सामान इसलिए है क्योंकि वजह इसके पीछे 500 दिनों के लिए अगर आप घर बार छोड़ रहे हो तो आपके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना सामान होना चाहिए कि आप कहीं पर भी सर्वाइव कर सको, तो इस कारण से हमारा सामान है। और जो भी है यार भाई, तो आपका भुजा उठा के चलता है गधे की तरह, तो कोई बात नहीं, अभी सामान को करते हैं बाबा जी के वहाँ पर लोड बाइक पे और फिर बाबा जी को कहेंगे अलविदा, और मैं जाऊँगा आज पास ही एक आश्रम है वहाँ पर, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो भाई साहब फाइनली रूम से निकल रहे हैं और ये देखिए मतलब मेरा सामान ऐसा है, और ये हाथ में है हेलमेट, तो ये सब बाबा जी की गाड़ी में लोड हुआ करता था, अब हमें अपना सफ़र करना है खुद तय, और बाबा जी निकलेंगे अपने रास्ते। ये बाबा जी की गाड़ी और हम भी हो चुके हैं तैयार, ये झुंडो की जोड़ी फाइनली हो रही है जुदा, और बाबा जी निकल रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे बाबा जी आज? मेरा तो बैंगलोर का था, फिर चेंज कर दिया, बहुत दुख हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा इंप्रेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं डरा हुआ था, सोमेन के साथ एक बॉन्डिंग जो बना हुआ था ना, थैंक यू ब्रो। चलिए हैप्पी जर्नी टू यू ऑल्सो, एंड भाई भला ही एकदम लोडेड है क्या। चलिए मिलते हैं सफर में, कहीं ना कहीं दोबारा जरूर मुलाकात होगी। ओके लव यू बहुत सारा, और सेफ जर्नी सेफ राइडिंग, थैंक यू। ओके और आप भी बढ़िया सफर करना, मुझे दिक्कत हो तो भाई बड़ा भाई बिल्कुल भैया वहाँ मिला देते हैं। चलिए बाय बाय, और फाइनली फिर भैया को विदा करते हैं, तो बाबा जी को फाइनली हमने कह दिया अलविदा, और अब जा रहा हूँ मैं अपना ठिकाना ढूंढने, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाबा जी के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।